अच्छा, तो आज हम लोग करने वाले हैं नोटिस राइटिंग। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नोटिस राइटिंग कैसे लिखते हैं एंड उसका जो फॉर्मेट है मैं आपको वो पूरा बताऊंगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्मेट, ठीक है ना। तो नोटिस राइटिंग के अब हम फॉर्मेट में जाएंगे, तो उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो नेक्स्ट हमारा जो नोटिस राइटिंग है हम उसका फॉर्मेट देखेंगे। तो फॉर्मेट से पहले मैं बता दूँ कि नोटिस राइटिंग क्या होता है। नोटिस राइटिंग इज़ अ फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग और गिविंग सम इंफॉर्मेशन। तो नोटिस राइटिंग क्या होता है, जैसे कि आपको किसी चीज़ के बारे में किसी और को नोटिफाई करना है, किसी चीज़ के बारे में आपको उससे डिस्क्राइब करना है, और वो भी फॉर्मल वे में, जैसे कि गवर्नमेंट की किसी चीज़ की हो गई, जैसे कि आपके स्कूल में नोटिस आता है तो वो थोड़ा फॉर्मल हो जाता है ना, तो उस टाइप के इंफॉर्मेशन गिविंग चीज़ को बोलते हैं हम। जो इन्फॉर्मेशन हमको गिव करता है वो भी फॉर्मल वे में, तो उसे हम बोलते हैं नोटिस राइटिंग। तो अब हम देखते हैं नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। तो नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है नोटिस राइटिंग में बॉक्स। आउटलाइन का आपका जो बॉक्स है वो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इट कैरीज वन मार्क्स, ओके। जो बॉक्स ही होता है वो आपका वन मार्क्स का है, लेकिन आप ये मत समझिए कि अगर आप बॉक्स बना देंगे तो आपको वन मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरे उसके साथ बॉक्स भी आपका वन मार्क्स का होता है। एंड देन वन मोर थिंग, आपका जो पिन मार्क है, यहाँ पर जो आपका पिन मार्क होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इट ऑल्सो कैरीज़ वन मार्क, ओके। तो ये दोनों चीज़ें वन वन मार्क्स कैरी करती हैं। एंड जो फुल बॉडी होता है वो थ्री मार्क्स कैरी करता है। अगर आपके स्कूल में फाइव मार्क्स एग्ज़ाम होता है तो यही आपका फॉर्मेट हुआ, फिर सिक्स और एट मार्क के भी होते हैं एनुअल में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका अच्छे से पूरी फॉर्मेट। तो सबके लिए आपको बॉर्डर बनाना ज़रूरी है एंड चारों तरफ एक एक पिन मार्क, फोर लाइंस में यहाँ पे फोर पिन मार्क्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड अब हम अंदर का कंटेंट देखते हैं। पहले क्या है, एसोसिएशन नेम। अब इसका मतलब जैसे कि कौन कंडक्ट कर रहा है, मतलब किसने ये नोटिस लगाया है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने किसी स्कूल का नाम ले लिया, तो मैंने ले लिया जैसे कि ए वी के स्कूल, ओके, जस्ट फॉर सैम्पल, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे ले लिया ए वी के स्कूल, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएशन का नाम कि कौन कंडक्ट कर रहा है ये नोटिस राइटिंग, किसने रखा है ये नोटिस राइटिंग, किसने बनाया है, किस एसोसिएशन ने ये नोटिस राइटिंग मतलब नोटिस लिखा है, तो उसका एसोसिएशन का नाम सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। फिर क्रॉस यहाँ पे हमारा इंडिकेट कर रहा है कि एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। ये फॉर्मेट में हम क्रॉस लगाते हैं, रियल जब हम बनाएंगे तो क्रॉस नहीं लगाएंगे। ये क्रॉस हमको इंडिकेट करता है कि एक लाइन छोड़ना है। तो नेक्स्ट क्रॉस के बाद हमारा नोटिस। अब यहाँ पे आपको नोटिस मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे नोटिस लिख देना है, कुछ नहीं लिखना है, नोटिस, ठीक है। यहाँ पे आपको नोटिस लिख देना है। देन आता है हमारा MDY मतलब मंथ डेट एंड ईयर। तो अब यहाँ पे आपको लगाना है मंथ डेट एंड ईयर आपको लिखना है। तो मान लीजिए हमारा मंथ चल रहा है अभी, अब मान लीजिए अभी 4, देन यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा डे चल रहा है अभी, आज चल रहा है 12। देन हम लिख देंगे ईयर, लिख देते जैसे कि 2020, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ऐसे लिखेंगे, कभी भी डेट मंथ एंड वाई मतलब डेट पहले नहीं लिखते हैं, देन मंथ ऐसे करके नहीं लिखेंगे हम लोग, पहले हमेशा मंथ रहेगा देन डेट देन वाई। आप लोग सोचेंगे ये तो उल्टा हो गया ना रियल लाइफ से, लेकिन फॉर्मल वे में ऐसा ही होता है। एंड एक और चीज़, यहाँ पे स्पेस मैंने मेनटेन की है, यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी हो गई है, ठीक है, बिकॉज बहुत छोटा है तो इसीलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपका ज़्यादा रहेगा, मतलब आपका जो पेज होता है उसके हिसाब से आपको इसको एकदम कॉर्नर में लिखना है। नोटिस एकदम आपके एसोसिएशन के बीच में होना चाहिए, एकदम उसके नीचे। देन आपको नोटिस की जगह सिर्फ नोटिस ही लिखना है और उसे अंडरलाइन कर देना है। देन फिर हमको एक लाइन छोड़ना है यहाँ पे जो क्रॉस लगा है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद हम लगाएंगे टाइटल। तो टाइटल मतलब अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे कि नोटिस किस बात के लिए है, अब एसोसिएशन है मतलब कौन इस नोटिस को लिख रहा है एंड ये नोटिस किस बात के लिए है, तो टाइटल मतलब वो हो रहा है। जैसे कि हम लिख देते हैं कि ये बात हमारे एक लाइन छोड़ के हम लिख देते हैं पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन है, ओके, कॉम्पिटिशन
तो ये हमारा पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन है। और एक और बात, जो आपका टाइटल है, आपका टाइटल अगर कॉम्पिटिशन, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, ऐसे ऐसे करके आप 2 लाइन्स पर लिख सकते हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं होता है, एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। तो ये हमारे 2 लाइन का हो गया। देन यू शुड ऑलवेज अंडरलाइन द टाइटल ऑल्सो, ठीक है। तो एक लाइन छोड़ने के बाद हमने टाइटल लिख दिया। देन हम आते हैं ये फुल हमारा बॉडी, ठीक है। तो बॉडी हम शुरुआत, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होता है, अब भाई इतना लिख दिया और एंड वाला भी वो लोग ऑलमोस्ट लिख ही लेते हैं। बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अब बॉडी कैसे लिखते हैं, यहाँ पे है व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये तीनों चीज़ आपके उसमें इंक्लूड होनी चाहिए बॉडी में, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं बॉडी। तो आपका पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट सारी नोटिस राइटिंग में आपका एक कॉमन होता है, वो होता है क्या, दिस। यहाँ पे आपका लाइन नहीं छूटा रहेगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास सिक्स, ठीक है ना, सिक्स टू एट दैट आर स्कूल इस कंडक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो ये जो पहले के जो 2 लाइन होते हैं, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब हम अपनी बॉडी स्टार्ट कैसे करें। तो ये बहुत ही अच्छा एक चीज़ है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 8 दैट अ स्कूल इज कंडक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग एंड पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन। मैं आगे का आपको नरेट करके बताती हूँ कि आगे क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पे स्कूल के बारे में है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर आपका हो जाएगा किसी ऑफिस का, किसी दूसरे चीज़ का, तो बोल देंगे दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये पहला लाइन तो ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है, आप स्टूडेंट्स की जगह आप एम्प्लॉयज़ लगा सकते हैं, वर्कर्स लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके थोड़ा फॉर्मल वे में। तो मैं आगे का बोलती हूँ, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 8 दैट अ स्कूल इज़ कंडक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग एंड पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर हमारा क्या नेक्स्ट आता है, वैन। तो स्कूल इज़ कंडक्टिंग एंड पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन on 6th August 2020, where, अब यहाँ पर वेयर आता है तो हम लिख देंगे वेयर में कि on 6th August 2020 near the ground पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, यहाँ पे ग्राउंड में और नियर द असेंबली हॉल और नियर द ऑडिटोरियम, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पे हमारा हो जाएगा हाउ। अब इसमें आपको क्या करना है हाउ में, कि अब यहाँ पे आप बताएंगे कि क्या पोस्टर मेकिंग के लिए आपको क्या ज़रूरत है और ये सब। तो आप पहले लिखेंगे कि नियर द क्या बोलते हैं ऑडिटोरियम, एंड देन इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैव टू ब्रिंग देयर ओन एसेसरीज, पेपर, A4 शीट पेपर्स। अब यहाँ पे हाउ में आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो A4 शीट पेपर्स, देन कलर्स, देन पोस्टर मेकिंग पेंट्स, ठीक है, एथलेटिक्स, देन वो सारी सामान के बाद आप नेक्स्ट लिख देंगे। और उसके बाद आपका लास्ट लाइन में आएगा कि फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। तो लास्ट के आपके 2 साइन होने चाहिए, मतलब 2 लाइन होने चाहिए, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अब कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड मतलब क्या होगा, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या आता है, बॉडी के बाद आपके यहाँ पे क्या आता है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। यहाँ पे आपका बॉडी के बाद क्या आता है, आपको बॉडी के बाद आता है नेम। तो नेम, अब यहाँ पे लाइक कौन कंडक्ट कर रहा है, मतलब किसने ये नोटिस लिखा है, ठीक है ना, किसने ये नोटिस लिखा है। तो लिखने वाले का हम लोग लिख देते हैं कि जैसे कि राम गुप्ता, ठीक है, राम गुप्ता। एंड देन डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन क्या होता है, डेजिग्नेशन मतलब वो किस पोस्ट पे है, क्या काम कर रहा है। तो ये जिसने लिखा है वो क्या काम कर रहा है, वो किस पोस्ट पे है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका डेजिग्नेशन, मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे स्कूल सेक्रेटरी, और या फिर हम लोग लिख देंगे मैनेजर,
मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे है ये इसका डेजिग्नेशन, मतलब कि जो आदमी है वो क्या काम कर रहा है, तो यहाँ पे वो मैनेजर है, ठीक है ना, स्कूल का वो मैनेजर है। तो लास्ट लाइन में हमने क्या लिखा था, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड मतलब यहाँ पे जो मैनेजर है वो हमारा हो जाएगा अंडर साइन, ठीक है। तो अब इसके बाद में आपको एकदम अच्छे से, अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया, अब मैं एकदम अच्छे से आपको एक सैम्पल लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सैम्पल, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सैम्पल है, ठीक है, नोटिस राइटिंग का सैम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। अब मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से ब्रॉड वे में दिखाया है आप लोगों को। बॉक्स हमारे पास, मतलब मैंने इसमें अभी बनाया नहीं है, और यहाँ पे मैंने डॉट्स बनाए हैं। देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है AVK स्कूल, जो था हमारा टाइटल, ऊपर का जो टाइटल था एसोसिएशन नेम, यहाँ पे मैंने AVK स्कूल लिखा है। देन फिर नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे नोटिस। नोटिस सब में सेम हमको नोटिस ही लिखना है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास डेट हो गया, ये सब तो इजी था। एंड देन जिस चीज़ के ऊपर कंडक्ट हो रहा है, आपके क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में दिया होगा, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि किस चीज़ के ऊपर कंडक्ट हो रहा है, तो वो आपको लिखना है 1 से 2 लाइन में, आप अगर आपको लिखना है तो। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी। अब हम बॉडी दिखाते, मैं आपको बॉडी दिखाती हूँ कि बॉडी कैसे लिखना है। तो बॉडी आप ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट के एक लाइन आपका मतलब एकदम सेम होना चाहिए, जैसे कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 8 डैट। तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 8 दैट, हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स को, दैट आर स्कूल इज़ कंडक्टिंग पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन ऑन 8th of May 2020। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड ब्रिंग देयर ओन सप्लाइज नियर स्कूल ऑडिटोरियम, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडर साइन। अब मैंने इसमें ऑलमोस्ट 45 to 50 वर्ड्स में इसको पूरा अच्छे से फिनिश कर दिया है, और आपको नोटिस राइटिंग में हमेशा 45 to 50 वर्ड्स में ही लिखना है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, और हर चीज़ को एकदम छोटे से छोटे फॉर्मेट में इसको कम करने की कोशिश करना है। हर चीज़ में जैसे कि द नहीं लगाना है बार बार, बड़ा बड़ा लाइन्स ही बनाना है, एकदम छोटे में एकदम शॉर्ट में आपको दिखाना है। तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं। एंड जो लास्ट में यहाँ पे है, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडर साइन, इसका मतलब अगर आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप अंडर साइन में कॉन्टैक्ट कीजिए, मतलब जो अंडर साइन मतलब अंडर मतलब जिसका नीचे नाम है अंडर साइन, उसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। तो नेक्स्ट हमारा क्या था, नेम। नेम हमारे यहाँ पे क्या है, राम सिंह, और सिंह और सिंह जो भी होता है, राम सिंह। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्कूल मैनेजर, उसका डेजिग्नेशन क्या है, स्कूल मैनेजर का, वो स्कूल मैनेजर है राम सिंह, ठीक है। तो ये था हमारा एक सैम्पल, आप अगर आपको कॉपी करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड ये हुआ हमारा नोटिस राइटिंग का, और मैं ऐसे ही और ग्रामर की वीडियोज़ और राइटिंग स्किल की वीडियोज़ डालती रहूँगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर।